students, how are you? Hope you all are safe at your home. Now we start our first lesson. Subject हमारा है maths, ठीक है? Maths का हमने start करना है first lesson. Maths में जो first lesson में हमने first topic में सीखेंगे वो है counting, ठीक है? First term में हमारी 1 to 10 तक counting है, ठीक है? आज हम first 3 letters सीखेंगे, ठीक है? First 3 letters आज हम सीखेंगे 1, 2 and 3, ठीक है? इसमें साउंड्स नहीं होते, ठीक है? मैथ्स में साउंड नहीं होते. उर्दू और इंग्लिश के हम पहले वर्ड पढ़ते हैं, देन हम साउंड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैथ्स में कोई साउंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे हम. इसका एज इट इज ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 fish, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, ठीक है? बुक वर्क स्टार्ट करेंगे, देन हम अपना कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 1, ठीक है? फर्स्ट रो पे लिखा हुआ है रीड. क्या लिखा हुआ है? रीड, पढ़िए, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है? ये जो डॉग पैक है लगी हुई है, ठीक है? ये है 1, एक स्ट्रेट सिंपल लाइन लगी हुई है, लेकिन हमारी फॉर्मेशन ये नहीं है, ठीक है? फॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट रो फॉर्म, इसलिए यहाँ पे आपको लाइट से नजर आ रही होगी, ठीक है? पहले स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं, ठीक है? स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं, देन एक स्ट्रेट लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, ठीक है? नीचे स्लीपिंग लाइन लिखे है 1, जिसके मैंने पहले बताया था इसके इंट्रो में कि इसका कोई साउंड नहीं होता. इसको हम एज इट इज पढ़ेंगे. ये क्या है? बॉटल. क्या बनी हुई है? बॉटल. 1 बॉटल 1 बॉटल. हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ पढ़ें, 1 बॉटल, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2, ऊपर लिखा है स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है उन्होंने? रेड एंड कलर. क्या लिखी हुई है? रेड देन कलर, ठीक है? पहले आपने इसको पढ़ना है एज इट इज 1 बॉटल, देन आपने इसकी आउटलाइन करनी है पहले कलर के साथ, ठीक है? और फिर इसमें कलर फिल करनी है. लाइन से बाहर नहीं चाहिए आपकी, ठीक है? जो आपकी ड्राइंग बनी हुई है, आर्ट बनी हुई है, उसके बाहर नहीं जाने चाहिए. डार्क डार्क कलर करने हैं, कोई व्हाइट स्पेस अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? 1 बॉटल पढ़ लिया, देन सेकेंड अल्फाबेट जो हमारे पढ़ना था, सेकेंड जो लेटर है हमारे पास वो है 2, ठीक है? ये क्या है? 2 2, ये फॉर्मेशन के मुताबिक है, ठीक है? ये बिल्कुल रेक्ट है एज इट इज. पहले हम इसका एक कर्व बनाएंगे, देन एक स्लैंटिंग लाइन लेंगे, ठीक है? स्लैंटिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, ठीक है? स्लीपिंग लाइन, ये क्या है? 2 hands. क्या पढ़ेंगे? 2 hands. हैंड्स में एस भी आएगा, ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा है, 1 hand 2 hands, ठीक है? 2 hands कैसे पढ़ेंगे? 2 hands. अब जैसे हमने 1 बॉटल पढ़ा था, उसके पेज नेक्स्ट पेज में हमें इसमें कलरिंग करनी है, ठीक है? एज इट इज इसमें भी हम पेज नंबर 4 में रीड एंड कलर पढ़ना है आपने, 2 hands, देन इसमें भी आपने एज इट इज कलर करनी है, जैसे हमने 1 बॉटल में की, ठीक है? समझ आ गई? 1 बॉटल 2 hands. देन जो हमारा लास्ट जो अल्फाबेट जो हमने आज करना है आज के लेसन में, ठीक है, वो है 3. क्या है? 3. जो लास्ट नंबर हमारे पास है वो है 3. क्या है? 3. ये 3 जो है हमारी फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है, ठीक है? इसके पास 2 कर्व बने हुए हैं, ठीक है? लेकिन हम जैसे हम लिखेंगे आपको मैं सिखा दूंगी बोर्ड पर, ठीक है? पढ़ते हैं इसको 3 है, इसको भी 3 पढ़ते हैं, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको मैं लिखना सिखा दूंगी, ठीक है? बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बटरफ्लाइज, ठीक है? क्या है? बटरफ्लाइज, 3 बटरफ्लाइज, ओके? आपने मेरे साथ पढ़ना है 3 बटरफ्लाइज. देन एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट नंबर्स में किए हैं, इस वाले नंबर में भी हमने कलर करना है, 3 नंबर में कलर ले लेंगे और बटरफ्लाइज में भी कलर करेंगे, ठीक है? समझ आ गया आपको बुक वर्क की? आपने घर में भी इसमें कलर करने हैं, पढ़ना है, ठीक है? अब आपको मैं इसका बोर्ड वर्क बताऊँ. इसके बोर्ड वर्क में हमने क्या करना है? कॉपी वर्क में आपको मैंने बताया था 1, 2 and 3, 3 नंबर्स आज हम करेंगे, ठीक है? टोटल हम 3 नंबर्स करेंगे. फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो है 1. क्या है? 1 1 हमने कैसे लिखना है? आपको मैंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग का इंट्रो में आपको बताया था लाइन्स के बारे में, ठीक है, बताया था. ये है स्लैंटिंग लाइन. फर्स्ट में हम पहले ऊपर की तरफ को एक स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है? लिखना आपने इसको एक दफा में, ठीक है?
लेकिन आपको बताती हूँ इसके स्टेप्स कितने मतलब कौन कौन से लाइन आएंगे इसमें मैं बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पे हम एक स्लैंडिंग लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ, देन स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी? एक स्टैंडिंग लाइन, और थर्ड पे हम लगाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। क्या लगाएंगे? स्लीपिंग लाइन। ठीक है, समझ आ गई है ना? ये है वन। अब यहाँ पर हम अपने डॉट्स को फॉलो करना है। ठीक है, डॉट्स को फॉलो करते हुए स्ट्रेट स्ट्रेट आप जैसे जैसे लिखे हुए डॉट्स वैसे वैसे लिखना उनके ऊपर, आगे पीछे नहीं करना। स्लैंटिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग, देन स्टैंडिंग, और फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, एक स्लीपिंग लाइन लगा देंगे। ये वर्ड क्या है? वन। रनिंग डॉट्स से आपने कर लिया है, अब थोड़े कम डॉट्स पर करेंगे, इजी है। ठीक है, आपने कर लेंगे, मुझे पता है। स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, देन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन थर्ड स्टेप हमारा क्या था? स्लीपिंग लाइन। ठीक है, ये क्या है? वन। ये क्या है? वन। सेकंड नंबर हमारे पास है टू। क्या है? टू। टू हमने कैसे राइट करना है? पहले हम एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे एक कर्व बनेगा, सेकंड पे एक स्लैंटिंग लाइन लगेगी नीचे की तरफ, जहां पे हमने कर्व को खत्म किया था वहां से एक स्लैंटिंग लाइन, जहां पे स्लैंटिंग लाइन हम रोकेंगे। ठीक है, खत्म करेंगे वहां पे, उसके बाद स्लीपिंग लाइन लाइन के ऊपर लगेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? आपने बॉक्स पे लिखा भी, मैथ का कोई बॉक्स बने होते हैं ना, ठीक है, आपने बॉक्स के अंदर ही लिखना है, बॉक्स से बाहर नहीं जाना, इस पे लाइंस नहीं होगी आपकी, सिर्फ बॉक्स होगी। ठीक है, बॉक्स को आपने फॉलो करना है, डॉट्स के ऊपर लिखेंगे, बॉक्स की लाइन को फर्स्ट को टच करेंगे टॉप के साथ, देन स्लैंटिंग लाइन बॉक्स के साथ टच करेंगे जहां बॉक्स खत्म हो रहा है वन बॉक्स में, एंड देन स्लीपिंग लाइन। क्या है? टू। ठीक है, ये वर्ड क्या है? टू। क्या नंबर है ये? टू। अब इसी तरह हम इन डॉट्स को यहाँ पे बॉक्स थोड़ा सा नीचे, बॉक्स जो फर्स्ट टॉप पे है लाइन साथ टच कर लेंगे, स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। ठीक है, ये क्या है? टू। ये क्या है? टू। देन हमारे पास है थ्री। हमारे पास लास्ट नंबर क्या है? थ्री। थ्री है, मैंने आपको बुक बताया था कि मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, बुक पे फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है, बस वहाँ पे थोड़े इस तरीके से टू कर्व बने हुए हैं, ये फॉर्मेशन नहीं है हमारी। ठीक है, हमारी फॉर्मेशन ये है, इसके मुताबिक हम लिखेंगे अपना। पहले एक स्लीपिंग लाइन होती है, ठीक है, एक स्लीपिंग लाइन फर्स्ट स्टेप में, स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, देन सेकेंड स्टेप में हम स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे, तिरछी लाइन बनाएंगे, टेढ़ी लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब तक आपको लाइंस का नाम याद हो गया होगा, फर्स्ट वो हमने लिखे थे, देन अपने कर्व, एक बार सा कर्व बनाएंगे लाइन से टच करते हुए ऊपर तरफ एक स्लैंटिंग लाइन की तरह जाएंगे। ठीक है, स्मॉल, ठीक है, माइनर से ऊपर स्लैंटिंग लाइन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है ना? ये है थ्री। ये नंबर क्या है? थ्री। अब इसको हम बोर्ड्स को फॉलो करते हुए स्लीपिंग लाइन बोर्ड्स की लाइन के ऊपर लगेगी, देन स्लैंटिंग लाइन, और फिर एक आपने थ्री लिख दिया। एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, ये तो हम थ्री लिखते हैं, जब इसका कर्व बनाएंगे, ठीक है, जो स्लैंटिंग लाइन है ना आपकी, इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, या कोई स्पेस नजर आ रही है ना ध्यान में, ये स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन लगाई, लाइन स्लीपिंग लाइन लगाई, स्टैंडिंग लाइन, आपने इसको घुमाना है ना, जब राउंड बनाना है तो इस तरह करेंगे। ठीक है, मैच नहीं करेंगे, आपने इसको इस तरह, देखिए यहाँ पे स्टैंड है, आप इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये इसकी नोक नहीं बनानी। ठीक है, इसकी ये नहीं बनेगी, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन के मुताबिक है या आपकी फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, समझ आ गई है। अब हम थोड़े कॉन्ट्रोर्स पर लिखेंगे। टू रोड्स में हम यहाँ पे स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, देन एक स्लेंटिंग लाइन, जैसे मैंने आपको समझाया भी स्लेंटिंग लाइन को टच नहीं करना, उससे थोड़ा सा दूर हटकर एक लाइन लगे, ऐसे कर्व बनेगा वो उसके साथ टच करते हुए छोटी सी ऊपर स्लेंटिंग लाइन भी लगेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको कैसे लिखा है हमने, कैसे राइट किए। ये नंबर क्या था, 3। सो क्या पढ़ते हैं हम, 3। अब मैं आपको फिर इसका दोबारा से रिवीजन करती हूँ आपके लिए। ठीक है, हमने आज क्या किया था, मैथ्स का कॉपी वर्क किया था हमने, बोर्ड पहले से बुक वर्क किया, जब उससे कॉपी वर्क किया काउंटिंग 1, 2, 3 की। ये नंबर क्या है, 1 1 कैसे पढ़ेंगे, 1 fish 1 fish, ठीक है, कोई साउंड नहीं होगा इसका। देन 2 2 stars 2 stars 2 stars। देन जो थर्ड नंबर हमने किया था वो है 3, क्या है, 3 3 apples 3 apples। समझ आ गई आप लोगों को, घर में आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपका फर्स्ट लेसन था, अच्छे तरीके से आपने इसको लिखना है, राइट करना है।